हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आई टॉयवर्स एंड गेम्स चैनल में। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप सबके लिए रिव्यू करने वाला हूं एक और रेपिडिटी ब्रांड के बेबलेट का, जो कि है रेपिडिटी ब्रांड फैंटम ओरायन, जिसके पास होती है बेयरिंग वाली टिप। तो आप देख सकते हैं इसको क्या बढ़िया लग रहा है जी अपना बेबलेट टिप के अंदर। तो ये फेक लिया है मैंने, क्यों ओरिजिनल तो बहुत महंगा आता है, 5000 तक उसकी प्राइस चली जाती है और नया मिलना तो बहुत मुश्किल ही है, पुराना ही सेकेंड हैंड माने यूज। तो ये तो न्यू है ब्रांड न्यू फैंटम ओरायन, तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है और इसको मैंने लिया है 600 कुछ रुपीज़ में, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट तो याद नहीं, बस 600 कुछ रुपीज़ में लिया है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाकर आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके डब्बे को, फिर निकालते हैं इसको डब्बे से बाहर। तो यहाँ पर है सबसे पहले अपना फैंटम ओरायन, जिसको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बढ़िया बना हुआ, और यहाँ पर मैनिपुलेटर है जी, और जी वाला जो इसका ब्लेडर माने जो इसका मालिक रहता है या इसका दोस्त रहता है, जो भी कहना चाहें आप, जो उसको चलाता है वो बना हुआ। यहाँ पर एक लॉन्चर, यहाँ पर बेयरिंग टिप, जिसमें बेयरिंग तो नहीं लगी रहती इस वाली टिप में, पर ये बेयरिंग जैसा थोड़ा काम करती है। और यहाँ पर बना हुआ और भी बेब्लेड, बेब्लेड और भी क्या पोई उसी का बेब्लेड का बना हुआ है, और कि कैसे चलेगा। यहाँ पर सुपीरियर मटीरियल से बना हुआ है, हैंडसम अपीरियंस, और यहाँ पर पता नहीं क्या लिखते हैं ये लोग बूट लेग वाले। और यहाँ पर दूसरी चीज़ें टिप के नाम लिखे हुए सबके, फेस फेस के बाद यहाँ पर 4D क्लियर व्हील, यहाँ पर मेटल व्हील, यहाँ पर जी एक नीचे नया मेटल व्हील और नीचे 4D मेटल व्हील, फिर व्हील, फिर कोर, और फिर उसके बाद 4D बॉटम। आप देख सकते हैं इन सबको, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ प्रिकॉशन के लिए, और यहाँ पर नीचे इन्फॉर्मेशन। चलिए निकाल देते हैं इसको डब्बे से बाहर, चलिए खोलते हैं इसको। तो यहाँ पर अपन ने खोला, सबसे पहले यहाँ पर निकली अपन को यहाँ पर लॉन्चर, जो कि जी बढ़िया लॉन्चर है, काम अच्छे करते हैं यहाँ पर जी वाला लॉन्चर। और यहाँ पर है अपना बेब्लेड, जो कि लग रहा है बहुत ही बढ़िया, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ें इसी बेब्लेड से, जैसे कि बेब्लेड के स्टिकर, यहाँ पर एक मेटल टिप, और यहाँ पर अपना बेयरिंग ड्राइवर, और यहाँ पर एक और मिली है अपन को जी यहाँ पर लगाने वाली, यहाँ पर इसको क्या कहते थे, व्हील ट्रैक, नहीं व्हील ट्रैक नहीं कहते थे इसको, ट्रैक कहते थे, तो इसको स्पिन ट्रैक कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो चलिए हम निकाल देते हैं सबसे पहले अपन लोग अपने पे को बाहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सुंदर लग रहा है जी अपना फैंटम ओरायन। सबसे पहले इसको इधर से निकालते हैं, कैसे निकलेगा जी, फाड़ ही देता हूँ मैं, आराम से निकल गया और फट गया। हम निकालते हैं अपने फैंटम ओरायन को बाहर, इसमें अपन को एक क्लियर व्हील भी मिलता है नीचे प्लास्टिक का, टोटली पैक टोटली न्यू। तो यहाँ पर है अपना फैंटम ओरायन, जो कि लग रहा है देखने में बहुत ही बढ़िया और सुंदर, क्या बढ़िया लग रहा है, अच्छी स्कल्पटिंग भी है और सब कुछ भी है, और नीचे की तरफ जो व्हील। तो चलिए उसको जल्दी से कर लेते हैं असेंबल, निकाल लेते हैं इसमें दूसरे पार्ट्स को, जो कि हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं खोलता हूँ और यहाँ पर निकालिए दूसरे पार्ट। तो यहाँ पर है जी इसकी बेयरिंग व्हील, जो इसमें बेयरिंग तो नहीं लगी हुई, पर ये स्पिन जरूर करती है, कितना करेगी जी नहीं पता। यहाँ पर जी कुछ मेटल का लगा सा हुआ है, पर जी बेयरिंग नहीं है। यहाँ पर एक जी मेटल टिप और एक जी फालतू का ट्रैक, तो ये दूसरे बेब्लेड में काम आ जाएगा। और यहाँ पर अपन को एक मिलती है की बेब्लेड को कसने वाली, और यहाँ पर मिलते हैं अपन को फैंटम ओरायन के स्टिकर्स, जो कि अभी से बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इसको करता हूँ असेंबल, तो मैं कैमरा एंगल चेंज करता हूँ इसको असेंबल करने के लिए। करते हैं इसको असेंबल करना शुरू, तो सबसे पहले अपन लुक लगा देते हैं इसका क्लियर व्हील ऊपर की तरफ प्लास्टिक वाला, कुछ ऐसे ही लगेगा कि घूमेगा, ये तो फ्री स्पिन कर रहा है, और कह नहीं सकते इसको ऐसे ही लगाते हैं और देख लेते हैं ना कैसा है। इसकी दो आँखें साइड आएंगी यहाँ, तो ये ऐसे ही लगेगा कुछ ऐसे, और यहाँ पर लगेंगे स्टिकर। तो मैं स्टिकर पहले लगा लेता हूँ, क्योंकि ये अच्छे से नहीं लग पाएगा, तो मैं स्टिकर लगा देता हूँ। इसका जो फ्यूजन मेटल व्हील है उसको उल्टा लगा दिया है, और मुझे समझ में आया, और जब ही लगता इकट्ठा हो रहा था ध्यान नहीं दिया माने, जिसको दो मोड में कर सकते हैं शायद अपन लोग। इसको निकाल लेते हैं, निकल जा सिम सिम, यहाँ पर निकल गया। इसको अपन को इधर पे लगाना था, और मैंने स्टिकर भी गलत लगा दिए हैं, अरे यार मैंने तो कर दिया है कबाड़ा। अब देखता हूँ जी स्टिकर निकलते हैं कि नहीं,
तो यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से कर दिया है इसको असेंबल, जिसको मैंने गलत कर दिया था, उल्टा लगा दिया था, और ये पूरी तरह से लग चुका है। मैंने यहाँ पर स्टिकर नहीं लगा पाया, लगा देता हूँ। फिर करते हैं इसकी कुछ 4D ब्यूलेट से लड़ाई, और मैं आपको बता दूंगी इसका जे ऐसे तो घूम रहा है, पर मैं इसको अगर ज़्यादा टाइट कर रहा हूँ तो जी घूमना बंद हो जा रहा है। देखिए, तो मैं इसको थोड़ा ढीले पे ही चलाना प्रेफर करूँगा। और फिर तो चलिए, यहाँ पर मैं ले आया हूँ अपने स्टेडियम को, और यहाँ पर मैंने पूरे स्टिकर लगा दिए हैं अपने फैंटम ओरायन में, जो कि लग रहा है देखने में बहुत ही बढ़िया। क्या लग रहा है बाबा जी, देखने में बढ़िया लगता है, उसकी बैरिंग भी घूम रही है ठीक ठाक। तो चलिए सबसे पहले इसका कर लेते हैं अपन लोग बैटल फेंगलियन के संग। तो जे भी बूट लेग है, रेपिटेटिव ब्रांड का है, पर इसके बात करते हैं अपन इसका एक ओरिजिनल के साथ। तो चलिए पहले कर लेते हैं अपन लोग इसके संग। तो लॉन्चर को यूज़ कर रहे हैं अपन लोग सेम वाले को, जो इसके संग मिला हुआ है अपन को फैंटम ओरायन के संग। एक मिनट, इसको कर लेते हैं रीलोड। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जे वाला लॉन्चर, जो कि है लेफ्ट एंड राइट बूट लॉन्चर फेंगलियन के लिए। फेंगलियन को मैंने उसमें लगा दिया, लगा लेते हैं अपन लोग अपने फैंटम ओरायन को। तो चलिए पहले फैंटम ओरायन को लॉन्च करते हैं। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। तो यहाँ पर चल चुका है अपना फैंटम ओरायन, जो कि चल रहा है बड़ी तेज़ी से। अब चलाते हैं अपन लोग फैंगलियन को। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओह जी, तो दोनों नॉकआउट हो गए एक ही बार में। अब फैंटम ओरायन की अभी मुझे तेज बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फैंटम ओरायन लॉन, तो चलिए एक बार फिर से चलाते हैं इनको। ये तो ड्रॉ हो गया, क्योंकि और जब मैं एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ आप से, यह भी ख्याल करते हैं। चलिए चलाते हैं इसको इसी से। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। तो यहाँ पर चल गया अपना फैंटम ओरायन। अब चलाते हैं अपन लोग फेंगलियन को। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। दोनों चल चुके हैं और यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई, पड़ गया सी टक्कर। और यहाँ पर दोनों घूम रहे हैं बड़ी स्पीड से, दोनों की स्पीड अभी बिल्कुल कम नहीं हुई है। और फैंटम ओरायन अलग टाइप से घूम रहा है, पड़ गया टक्कर दे रहा है फेंगलियन को। और मैं फेंगलियन को फेंग वाले मोड में करा हुआ हूँ, मैंने उसकी क्या कहते हैं ऊपर वाली जो फ्यूज़न व्हील है उसको उल्टा करा हुआ हूँ। देखते हैं कौन जीतता है। ओ मुझे लगता है फैंटम ओरायन हार जाएगा, ओ मुझे ऐसा ही लग रहा है। और नहीं, फैंटम ओरायन जीत गया। क्या बढ़िया मैच था। तो फैंटम ओरायन होता है यहाँ पर विनर। अब कराते हैं पर लोग दूसरे बीब्लेड से फैंटम ओरायन की बैटल। और इसका एक स्टिकर गिर गया लड़ाई में, पता नहीं कहाँ गया स्टिकर की ग्लू है वो बड़ी बेकार है। चलिए अब अपन लोग लॉन्चर यूज़ करेंगे जे वाला दो बार। एक और निकाल देता हूँ। चलिए अब फैंटम ओरायन की फाइट करवाते हैं अपन लोग एक और 4D ब्रेक बे के साथ, जो कि है बिग बैंग पेगासस या कॉस्मिक पेगासस। चलिए करते हैं इनकी फाइट चालू। तो चलिए सबसे पहले लॉन्च करते हैं अपन लोग फैंटम ओरायन को। 3, 2, 1 शुरू। अब करते हैं अपन लोग अपने गैलेक्सी पेगासस को, क्या गैलेक्सी बोल रहा हूँ, कॉस्मिक पेगासस को। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। तो यहाँ पर दोनों बेब्लेड आ चुके हैं, देखते हैं क्या होता है इस लड़ाई में। और वहाँ पर फैंटम ओरायन को एक टक्कर घलते हुए। और मुझे फैंटम ओरायन की स्पीड कम सी क्यों लग रही है, वैसे बराबर ही है, मुझे थोड़ी कम सी लग रही थी, पर दोनों बढ़िया टक्कर देते हुए। और इसमें लगी हुई है FD ड्राइव, फाइनल ड्राइव। तो ये मर के भी जिंदा हो सकता है पेगासस। तो बढ़िया लड़ाई चल रही है। ओह उसकी पावर आ गई, देखते हैं कौन जीतता है इस बैटल में। और ये थोड़े थोड़े सीनों से लड़ते हुए, और यहाँ पर मुझे लगता है फैंटम ओरायन जीत जाएगा बढ़िया आराम से। और यहाँ पर फैंटम ओरायन जीत गया। तो यहाँ पर आराम से फैंटम ओरायन ने दो बेब्लेड्स को हरा दिया है। माने ये बहुत ख़तरनाक बेब्लेड है, बूट लैग होने के बावजूद भी बढ़िया कर रहा है। तो चलिए अब करवाते हैं इसकी ओरिजिनल बेब्लेड के साथ बैटल, जो कि अपना एल ड्रैगन डिस्ट्रक्टर। चलिए सबसे पहले इसके लिए बदल लेते हैं अपन लोग अपने, इसको लेफ्ट कर लेते हैं, हो गया लेफ्ट। इसको लगा लेते हैं, लग जाओ, उल्टा लगा रहा था मैं। तो चलिए अब मैं यूज़ करूँगा दूसरे वाला लॉन्चर, जिससे मुझे पता चले कि इसके लॉन्चर की वजह से जो ज़्यादा तेज चल रहा है कि उसकी वजह से। तो चलिए चलाते हैं। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। लग जाओ। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। और यहाँ पर आ गया एल ड्रैगन बड़ी तेज़ी से मारते हुए टक्कर। ओ बढ़िया टक्कर घालते हुए बड़ी स्पीड में चल रहा है एल ड्रैगन। और उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि इसमें वो फाइनल ड्राइव इसमें है FD की, उसमें मुझे याद नहीं है, पर इसकी आखिरी में जो शुरू में जो रहता है अटैक टाइप, फिर लास्ट में बन जाता है स्टेमिना टाइप, जिससे ये अपने स्टेमिना को बचा सके। पर मुझे नहीं लगता कि ये फैंटम ओरायन को हरा पाएगा। और अच्छी खासी लड़ाई चलते हुए, देखते हैं अपन इसमें कौन जीतता है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फैंटम ओरायन की स्पीड कम होते हुए
और यहाँ पर ज़्यादा स्पीड अभी भी मुझे लग रही है एल ड्रैगो की, और लगता है एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर इस बैटल को आराम से जीत सकता है पर कह नहीं सकते। और यहाँ पर बहुत ही कठिन मुकाबला, और यहाँ पर जीत गया अपनी बेयरिंग ड्राइव की वजह से बड़ी आसानी से फैंटम ओरायन। तो फेडरान ने तीनों बार तीनों बेबलेट को हराया, बस एक शुरू में नॉकआउट हुआ था। चलिए एक और बेबलेट के साथ इसका और कर लेते हैं अपन लोग बैटल। तो इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ एक जी सिंपल माने सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन वाला बेबलेट, फर्स्ट जनरेशन क्या मेटल फ्यूरी के फर्स्ट सीजन वाला बेबलेट जो कि सिंगल लेयर है, थ्री डी है ना फोर डी है, ये टू डी। तो चलिए अब इसका करवाते हैं अपन लोग बैटल दूसरे बेबलेट से फैंटम ओरायन से। तो चलिए चालू करते हैं, 3-2-1 हो जाए शुरू। पहले फैंटम ओरायन, अब चलाते हैं अपन लोग लीब्रा को, 3-2-1 हो जाए शुरू। यहाँ पर लीब्रा आ चुका है, अब देखते हैं क्या होता है इस लड़ाई का फैसला, क्योंकि दोनों की हाइट ज़्यादा है बेबलेट्स की। अब देखते हैं ओरिजिनल रहता है कि फेक, 4D वर्सेस 2D। और ये बढ़िया से लड़ाई चलते हुए, ये 3D है कि 4D, ये बूटलेग में गलत लिखा है क्या 4D, कह नहीं सकते। और यहाँ पर मुझे स्लो तो किसी की स्पीड होती भी नहीं दिख रही। वो क्या बढ़िया टक्कर थी वाली, और ये चारों तरफ घूमते हुए लीब्रा, देखते हैं क्या कर पाएगा लीब्रा। ओ लीब्रा ने अच्छी टक्कर दे दी है, लीब्रा ने टेढ़ा होके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया है बहुत ही बुरी तरीके से। वो मुझे लगता है यहाँ पर नहीं जीतने वाला है, और यहाँ पर पहली बार हार गया अपना फैंटम ओरायन एक ओरिजिनल बेबलेड के सामने। तो 2D बेबलेड ने आराम से हरा दिया 3D या 4D बेबलेड को। तो यहाँ पर अपन ने सबके साथ इनकी बैटल करके देख ली, और इस हिसाब से मैं कहूँगा ये बहुत बढ़िया बेबलेड है बूटलेग होने के बावजूद भी। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो जरूर लीजिए, ले लीजिएगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा बेबलेड, तो बूटलेग होने के बावजूद मैं इसको 7.5/10 रेटिंग दूँगा, क्योंकि इसकी बेयरिंग कुछ अच्छा काम नहीं करती पर ठीक ठाक है। और ये अगर कोई इससे छोटा बेबलेड आ गया हाइट में उसको आराम से हरा देगा, तो ये तो फैंटम ओरायन की वीकनेस है ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, यहाँ पर होती है ये वीडियो ख़त्म। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही और बेबलेड रिव्यूज़ के लिए, एक्शन फिगर रिव्यूज़ के लिए, टॉयज रिव्यूज़ के लिए, बहुत ही तरह बहुत सारे तरीके के टॉयज़ का रिव्यू करता हूँ, गेमिंग वीडियोज़ के लिए और शॉर्ट मोशन एनिमेशन के लिए। और मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी बेबलेड का रिव्यू करूँ, क्योंकि ये बहुत दिन बाद कर रहा हूँ मैं बेबलेड का रिव्यू, क्योंकि कुछ उन पर अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे थे बेबलेड की वीडियो पे, तो जो मैं बहुत दिन बात कर रहा हूँ इस बेबलेड का रिव्यू। और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं और भी बेबलेड लाऊं। और अगर इस वीडियो पे मुझे 15 लाइक मिल जाते हैं, 15 लाइक का मैं एम रख रहा हूं, अगर मुझे 15 लाइक मिल गए तो मैं जल्द ही माने कुछ ही दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद डाल दूंगा एल ड्रैगो का रिव्यू, जो कि है ओरिजिनल टकाराटोमी का एल ड्रैगो, जिसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया है। मैंने उसको ले लिया था, ये मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गया 850 रुपये में, और वैसे तो ये 2000 तक का मिलता है यूज्ड वन भी, तो ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया। और बेबलेड एक्स भी आने लगे हैं, तो मैं बेबलेड एक्स का रिव्यू करने की भी सोच रहा हूँ, ओरिजिनल भी लूँगा, और बूटलेग भी अवेलेबल हो गए हैं फ्लिपकार्ट पे, अगर आपको पता ना हो तो, वो अफोर्डेबल प्राइस में है, उनको भी अपन लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।